हम आज कुछ मेहमान खपलू फोर्ट में आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सर सबसे पहले आप तमाम माजिज मेहमानों को हमारी जो यज्ञो खर करते हैं जो रिवाइव करने के लिए यज्ञो खर में खुश हमदार सलाकुम। बेसिकली ये पहले 485 ईयर्स और पहले से इससे पहले जो ना फोर्टिस पार्ट करते थे होते थे इसके बैक साइड से रास्ते जाते 25 मिनट तक के ट्रैक है पूरे खपलू का व्यू डायरेक्शन आपको वहीं से कोई दिखाने वाला होता है तो वेदर छाए तो आपको नज़र नहीं आएंगे। इस तरफ इंडियन लद्दाख के बॉर्डर के एरिया नजर आएंगे, इस तरफ हमारे सियाचिन का और वो पहाड़ जो ना सियाचिन के बाद इस तरफ जो ना हमारे हल्दी पहुँच करते हैं वहाँ से आपको पूरी एरिया वहीं से चाइना या अफगान बॉर्डर जाने का एक रास्ता है वो आपको यहाँ वहाँ से दिखाने वालों को पता चलेगा। फिर इसके बाद इसको मैचुल इलाके थे यहाँ से माशा ब्राफ टू जीवन जी टू के टू बात गंगोरला सारे माउंटेन एरिया आपको मैचुल से नजर आएंगे। इस पैलेस के अंदर आपको कुछ 65 कमरे जो किंग और कोई रूम जो हमारे सबसे टॉप फ्लोर पे उनके एंट्री साउथ साइड से हैं, इसमें अभी रिसेप्शन आपको जो है 1000 साल पुराना है। इसके अंदर आपको जो है 2-3 दरवाजे एक छत है वो तो आपको 1000 ईयर्स जो है आपको ये सारी चीज़ें नजर आएंगे। इसमें वुडन कार्विंग हुए सारे वॉलेट वोट इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। रेनोवेशन के दौरान जो है आखंड फर्नीचर ने 2005 से 2011 तक रेनोवेशन किया इसकी जो मट के ऊपर और बाकी जो एज इट इज जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर इसके आर्किटेक्चर में कोई भी चीज़ चेंजिंग नहीं हुआ। अभी ये जो शार्ट डोर का मसल है कुछ दौर में सदी के बचाव करके शार्ट डोर रखे हुए तो अभी भी आप लोग जिस चीज़ के दरवाजे पर बोलेंगे आप तो सर बजा के चलना होगा। बाकी इसमें मजे में बहुत सारे कुछ मैं अंदर से दिखा दूँगा सर। अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब एक क्वेश्चन मुझसे आप पूछिए जी सर, सबसे पहले जब आप आए थे और अब आप आए तो क्या फ़र्क है? जी सर वो यही है कि आपकी जो नस्ल पैदा हुई है नई ये सारी की सारी उसने कमर्शियल खपलू देखा है। जी सर हमने वो खपलू देखा है जो खुद ही खड़ा था, बाहर कोई टिकट नहीं थी, यहाँ पे आप आते थे आप इंजॉय करते थे। अभी नॉर्वे का कोलेब्रेशन है आगा खान के साथ, जी सर उन्होंने इसको ऑन कर लिया और बाद 500 रुपये की टिकट लगा। तो मेरा ये ख्याल है कि उस हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आने वाले सियाहों की वो हौसला शिकनी है, लोग देखने आएंगे इतनी दूर से और जब वो 500-1000 का टिकट देखेंगे तो वो लेंगे कि जी बल्तिस्तान वाले भी कमर्शियल हो गए। जबकि हमारा ये ईमान है कि पूरा बल्तिस्तान जो है कमर्शियल नहीं है, वो मोहब्बत वाला है, वो अखलास वाला है, वो प्यार वाला है, वो मोहब्बत वाला है, वो आपको अपने घर में बुलाता है, आपको अपने पल्ले से चाय पिलाता है और आपसे क्या मांगता है सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत प्यार और एक मुस्कान। तो मेरा बल्तिस्तान ये है, जो आपका बल्तिस्तान नई नस्ल का है वो कमर्शियल होता जा रहा है इसको। जी सर सर चलिए आप बताइए सर, सर आपका नाम? जी सर आप बताइए सर, कुछ लोग हैं यहाँ के बल्तिस्तान के लोग मोहब्बत प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा और हमें ठंडी है इससे लव है हमें गिलगित बल्तिस्तान। जी सर सर आप बताइए सर आपका नाम? बच्चे मेरा नाम डॉक्टर मुबशर अली है। जी सर और मैंने आर्मी में सर्व किया है लेकिन चांस की बात है कि इस एरिया में सर्व नहीं किया, बाकी सब एरिया में किया सर। हमें भी आर्मी बहुत पसंद है, आप रिसेंटली मिल गए सर, थैंक यू सर। अपने इन दोस्तों की मेहरबानी है जिनकी वजह से मैंने एरिया देखा, लेकिन वही मैं अमीन साहब वाले लफ्ज़ दोबारा दोहराऊंगा कि इस एरिया में जो एक कुदरत ने अब वो कहना चाहिए फुर्सत के टाइम पे अल्लाह ताला ने इस खत्ते को बनाया है, इस खत्ते को बहुत ज़्यादा खूबसूरती दी, इस खत्ते को अल्लाह ताला ने सही कुदरती हुसन दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ वो जो हम देख रहे हैं वो चेंज होता जा रहा है। बाकी जहाँ तक लोग हैं यहाँ के हकीकत में अल्लाह ताला ने उनको भी खास मोहब्बत करने वाला दिल दिया है, अगले को इज्जत देते हैं, इख्लास उनका इतना अच्छा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। थैंक यू सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।